वेल गाइस, बढ़ते हैं अपनी अगली परफॉर्मेंस की ओर और बुलाते हैं नन अदर देन जयपुर की शान फैजान खान। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ पैसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूरी चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, खूब लगा लो पहले रस्ते रब खोले, यही इश्क की मर्जी है, यही रब की मर्जी है। वेल दोस्तों, इनके लिए तो यही कहना है कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर मुसीबत में ताकत की दवा देते हैं। जोरदार तालियां हो जाए फैजान के लिए। वेल फैजान, चलते हैं डायरेक्ट जजेस की ओर और जाना चाहेंगे उनकी राय। हेलो फैजान। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताएं? एकदम बढ़िया। आपका परफॉर्मेंस मुझे तो काफी अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जो आपने एक एक बीट को इतना अच्छा फील किया, अपने फेस से इतना अच्छा दिखाया, और जो आपका वो पीछे वाला स्टेप था जो आपने उधर दिखाया, हाँ। कुछ ऐसा कर जाओ, वो चीज आपकी एकदम परफेक्ट थी, बस वहीं से आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आपके फेस से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी, आप इतना अच्छा आपने किया। थैंक यू मैम। ओके, आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। ओके मैम। बड़ी बात है कि फादर का रोल, पेरेंट्स का रोल बहुत बड़ा होता है हमारी लाइफ में। अगर वो हमको अप्रिशिएट कर रहे हैं तभी हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो ये थे हमारे सारे सीनियर परफॉर्मर्स। रिजल्ट की बागडोर तो जजेस के हाथ में है और हम चाहते हैं कि हम अपने सारे कंटेस्टेंट को एक बार फिर से स्टेज पर बुलाएं। सो सारे कंटेस्टेंट के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड प्लीज ऑल द कंटेस्टेंट, स्टेज इज वेटिंग फॉर यू। और डायरेक्टली चलते हैं हमारे हाई कमान के पास, यानी कि हमारे जजेस के पास, और जानना चाहते हैं कि वो आप सब के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सो जजेस, डांस सबने किया, सबका अच्छा भी लगा, किसी का अच्छा लगा, किसी का बहुत अच्छा लगा, और कुछ परफॉर्मेंस ऐसी थी जो मुझे भी हमेशा या हम सबको हमेशा याद रहेंगी। लेकिन क्या है, किसी को आगे जाना है, किसी को पीछे रहना, ये सब चीज़ें चलेंगी तभी कंपटीशन लगेगा, तभी लोग आगे मेहनत करेंगे, है ना? तो ये चीज़ सबको समझ आनी चाहिए, और यही आपके साथ है, जितनी मेहनत करेंगे उतना आगे जाएंगे। ओके, कुछ बच्चे हम आगे बुलाएंगे तो रिजल्ट उनके हिसाब से लेंगे, बाकी नाम जो है अनाउंस करेंगे मैम, वो बात करते हैं। क्या कहें, आप सबकी तो परफॉर्मेंस ही इतनी फैबुलस थी, क्या बोले आप सबके लिए, लेकिन फिर भी हमको रिजल्ट तो निकालना है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि अगर आप एलिमिनेट होते हो तो आपको लगे कि हम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ और बेस्ट आपका वेट कर रहा है। लेकिन बहुत कंफ्यूजन है, पर चलिए फिर भी कोशिश करते हैं। फर्स्ट फैजान खान सामने आ जाइए।